परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023 आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद, प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। वैभव पढ़ो, लोग कहते कहानी किस्सों से क्या मिलेगा। अरे प्रथमान योग मत्याख्यानम चरितम पुराणम अपति विपुन्नम बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीना। क्या कहा है, प्रथमान योग को पढ़ने से हमें ये पता चलता है, इतनी विभूतियों के बाद इतनी आपत्तियां, इतनी महान शीलवान होने पर ऐसे इल्जाम, तो हमारा क्या मतलब है। हमें और कितनी यातनाएं मिल सकती जिन्होंने आरिका बन के दीक्षा लेकर ऐसे पद पाए हों। सीता जैसा ऐसी थोड़ी ना सीता हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी किए हुए कर्मों का फल यहाँ भी भोगना पड़ा। जो तीन भव पहले जो कुछ कहा था, वो पहले तो स्वर्ग में गई फिर यहाँ के, वो भी भोगना पड़ा। और कई मुनिराज हैं जो पूर्व में, आप गजकुमार मुनियों का पढ़िए, गजकुमार मुनि पूर्व जन्म में सौत डाह से बच्चे को गरम रोटी की भाप लगा दी थी, और इस जन्म में वो ससुर ही बच्चा था, पहले मर गया, बच्चा छोटा सा था तो बच्चे को भाप लगा दी तो वो मर गया। और वो मरकर जब पहले मरेगा तो ससुर अपने आप बड़ा आदमी होगा, बड़ी उम्र का होगा। वही ससुर ने, अपन तो कहते कैसा दुष्ट ससुर था, उसने सिर पर आग लगा दी। लेकिन वो हम जो करके आए थे वो पुण्य भी चक्रवर्ती व्याज की तरह बढ़ता और पाप भी चक्रवर्ती व्याज की तरह बढ़ता है। तो हमें इस पर्याय में कोशिश कर, देखो घर गृहस्थी में रह के आप लोगों को पाप आश्रव करना पड़ेंगे। कितना क्रोध आता है, इसी क्रोध में तुम्हें आयु बंद हो गया तो कहाँ जाओगे, नियम से नरक जाओगे, क्योंकि इस नरक में क्रोध सबसे ज्यादा होता है। और मान कहाँ पर होता है, मनुष्य गति में, स्वर्गों में मान नहीं होता, मनुष्य गति में मान ज्यादा है और माया चारित्र्यंच गति में है और लोभ स्वर्गों में है। आप पढ़ते हैं जो विमान वास्तव होता है सम्यक दर्शन बिन दुख लहो, और पढ़ते हैं व्यंतर भवन वासियों में स्वर्ग में सुख तो बहुत है वहाँ भी, लेकिन मरते टाइम 6 महीना पहले माला मुरझा जाती है और इस संकलेश में रोता है कि अब चला जाऊँगा मनुष्य में जाऊँगा तो वहाँ के गर्भ इतना अशुद्ध, वहाँ रहना पड़ेगा, फिर सुस्त तिरियंच में जाऊँगा तो एक इंद्री में पैदा हो जाता है, एक इंद्री में पैदा हो जाता है। हम लोग भी, आपको लगता होगा पेड़ अच्छे सुखी हैं, अरे सुखी हैं सबसे ज़्यादा। आप किसी को मार सकते हो तो आपको गुस्सा आपका निकल जाएगा, लेकिन पेड़ तो बोल नहीं सकते हैं, सबसे आर्द्र ध्यान उनको ज़्यादा है। आपको एक एक दिन में ये सब बातें बताऊंगी, लेकिन आप एक ध्यान रखना, आज से ही
जीव जीव आश्रय बंध को समझकर, सिर्फ समझना ही नहीं है हमें उससे बचना भी है। इसलिए जो भी कम से कम 10 मिनट बैठकर ये सोचा करो कि इस पर्याय के पहले में कहाँ था, मेरा कोई ना कोई परिवार पहले भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि हम पहली बार कोई परिवार है, लेकिन ऐसी आसक्ति हो गई कि इस परिवार के अलावा कहीं का ख्याल नहीं आता, ये तो कुदरत का बहुत बड़ा अच्छा आशीर्वाद है या प्रकृति की व्यवस्था है कि मरते टाइम सब कुछ भूल जाते हैं। और वरना हम पागल हो जाएं पूर्व की स्मृति हो तो, हम पूर्व में भी इससे अच्छे परिवार में रहे होंगे तब ये परिवार मिला है, और आते टाइम क्या कि आए थे तो रोते हुए आए। आपसे कोई पूछे कि बच्चा क्यों रोता है, कोई बता सकता है बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? साइंस के अनुसार, चलिए आप नहीं बता पा रहे, बच्चा रोता हुआ इसलिए पैदा होता है कि अभी तक वो माँ से जुड़ा था, नाल जुड़ी थी तो नाल से उसको सब कुछ मिल रहा था, अब नाल काट देने के बाद या बच्चा बाहर निकलने के बाद वो जो केंद्र था उसका, उससे बाहर निकल गया। अब एक बार तड़प होती है, आपको कोई यहाँ से निकाल कर कहीं और जगह पटक दे तो क्या होगा? और यदि बच्चा रोता नहीं है तो ध्यान रखना, या तो बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए दाई आदि क्या करती हैं, उसे नर्स आदि थप्पड़ देकर भी रुलाती हैं। सोचना, हम रोते हुए पैदा हुए थे और जिंदगी भर भी रोते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे प्रभु की जैसी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, ये कभी आता है मन में? पूजा तो हम कर जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कितने तत्व हैं, उन्हें कैसे समझना है, आश्रव को अशुभ आश्रव को रोकना है, शुभ की तरफ प्रवृत्ति करना है, एक दिन शुद्ध तो अपने आप मिल जाएगा। आप हाथ जोड़कर ये नहीं कहते छत तू मिल गई तो जीना तू पीछे जा, आप छत पर पैर रखो और जीना अपने आप बेचारा जहाँ था वहीं रह आता है। इसी प्रकार से आप शुद्ध उपयोग में पहुँच जाओगे तो शुभ उपयोग अपने आप पीछे रह जाएगा। पुण्य फला अरिहंता, हमारे अंत पद का फल यही चाहते हैं कि हमें और कुछ विभूतियां नहीं चाहिए। इस पूजा का फल एक ही, ध्यान रखना, कोई विभूतियां नहीं चाहिए। हम घर में भी रहें तो ऐसे रहें जैसे कोई मेहमान रहता हो, हम घर में रहें तो सब कोई पूछ ले तो ठीक है, नहीं पूछ ले तो जाने दो। हमें इतना सा नुकसान होता है तो दुख होता है ना कि अरे इतना नुकसान हो गया, देखती नहीं है। एक सास बहू थी तो बेटी से घी बखर गया, तो सास ने उसको कुछ नहीं कहा, बस यही बोला चोट तो नहीं लगी। बहू से दूसरे दिन पानी बखर गया, सास ने उसे बहुत सुनाई तो उसे बड़ा बुरा लगा कि अपनी बेटी से घी बखर गया तब तो कुछ नहीं कहा और मेरे से पानी ढुल गया तो इतनी बातें सुना रही। फिर सास ने कहा कि बेटा बुरा मत मानना। बोली बुरा क्या मतलब, दीदी से भी तो कल घी बकर गया था, आपने कुछ नहीं कहा था। सास बोली बेटा मैंने ठीक उससे नहीं कहा था, वो भी ठीक। बोले क्यों? बोले बेटा घी तो महंगा होता है, उससे कोई नहीं बहाता है, भूल से बह गया होगा, लेकिन पानी तो आज तुझे नहीं डांटती तो तू रोज बेकार बहाती, इसलिए कहा तुझे कहना पड़ा कि बेटा उसमें भी जीव होते हैं, उसमें अनंत जीव होते हैं बेटा, इसलिए तुझे डांटना पड़ा कि जितना हो। आपको पता है कि त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। हम लोग कमरों से बाहर जाते हैं पंखा चला छोड़ जाते हैं, रात को जलने दो दो चार लाइटें, तो आपने सोचा वो दो चार लाइटों में रात में कितने जीव मरते हैं, असंख्या। कल हम शाम को बैठे थे, फिर हम अंदर आ गए, हमने तुरंत कहा हमने कि लाइटें बंद कर दो। एक दिन में मंदिर आई, रात को हेलोजन जल रही होगी बाहर की, तो मुझे दिखा। उसके बाद में रोज जाते टाइम कह के जाती हूँ कि आप लाइटें बंद कर देना। तुम्हें कोशिश करना है जितना प्रयास कर सकते, देखो पूरा प्रयास आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आज से ही नियम लो कि सिर्फ हम
प्रभु पूजा तो करेंगे लेकिन साथ साथ खुद को भी पूजा के योग्य बनाएंगे। और वो कैसे बनाना है? पुरुषार्थ पूर्वक आकांक्षाओं को सीमित करना है और शंका नहीं करना है। घर में भी शंका हो जाए तो परिवार नहीं चलता है, फिर ये मोक्ष मार्ग कैसे चल जाएगा? आप पति पत्नी में शंका हो जाए तो रोज झगड़े होते हैं, और समर्पण है तब तक तो स्वर्ग जमीन पर नजर आता है। तो ध्यान रखना, हमने चारों कसाय का बताया था, तो क्रोध करोगे तो समझ लेना नरक जाने वाली तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल क्रोध छोड़ो, जो कुछ हो जाए ठीक है। कई बार हमसे लोग बहुत भड़काते हैं, भड़काते हैं माता जी ऐसा आपका नाम नहीं होता है, आपके लिए लोग ऐसे नहीं करते। हम कहते हैं सब पुद्गल की पर्याय हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। ये तो खुद देह ही नहीं रहेगी, फिर ये सब कब तक रहेंगे? देह भी एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगी। मुझे तो ऐसे ही पुरुषार्थ दे भगवान, ऐसी बुद्धि दे कि कैसी भी कितनी भी और भी समस्याएं आए, हम हंस के ये सोचे। प्रसम का मतलब होता है कसायों का कम करना, प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक। संवेग का मतलब होता है संसार भोगों से वैराग्य होना, डर लगना। अनुकंपा का हर जीव के प्रति करुणा का भाव आना। आस्तिक यानी तत्वों पर सही श्रद्धान करना। तो आपका समय हो गया है और आपको आज इतना ही उद्देश्य लेके जाना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे न फिर मिले वह मुक्ति रानी। तो आप लोग इतना विचार करेंगे, आप जो आपको दो अंगों पर बताया और दो अंगों में भी हम व्यर्थ की अनर्थ दंड से बचे, क्योंकि श्रावक भी दृश्य हिंसा का पूर्ण त्यागी होता है। लेकिन आरंभ और उद्योगी आदि से करना पड़ता, अनाज का व्यापार है, करोड़ों जीव मर जाते कई बार होता है, लेकिन वो फिर भी ये जान कर नहीं दवाइयाँ डालता कि सबको मार दो। ये कहता है एक बार चाल लो इसको, जीव अलग कर दो, क्योंकि अब हो जाते हैं अनाज का व्यापार है। घर में आप लोग इतना करते हैं तो जीव मर जाते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक कि हमसे ना मरें उसके बाद भी आपको करना पड़ता है। तो आप संकल्पी हिंसा का पूर्ण रूपेण त्याग कर सकते हैं, क्योंकि हम संकल्प पूर्वक थोड़ी ना कहते हैं सारी चींटियों को मार देंगे, ऐसा सोचते हो क्या? नहीं, पहले हमें नौकरों को भी घर में जो काम वाली हैं, अब क्या करेंगे वो तो मरेंगी नहीं, उनसे बोलो कि तुम एक बार झाड़ू लगाओ, पहले पूरी झाड़ू लगाओ उसके बाद फिर पोंछा लगाना। चींटियाँ हैं तो चाहे दो बार लगाओ, चाहे झाड़ू हाथ में लेकर साथ साथ लगाओ, लेकिन जीव मरना नहीं चाहिए इतना तो आप कह सकते हो, क्योंकि कितनी दुर्लभता से तीन इंद्री में आया वो, असंख्यात वर्ष तड़प तड़प के मरा है एक इंद्री में, दो तब दो इंद्री पाई और दो इंद्री के मुश्किल से तीन इंद्री, चार इंद्री। ये मच्छर मक्खी पतंगे सारे चार इंद्री जीव हैं, सिर्फ हमसे एक इंद्री कम है और कोई ज़्यादा कम, कितनी मुश्किल से पाया होगा ये पर्याय। हमें सब जीवों के प्रति करुणा भाव लाना है। और आप सबको भी धर्म वृद्धि हो, यही मेरा सुभाषिस। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है: सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000329, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का पांचवा कैरेक्टर जीरो है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122011777, IFSC PUNB 00212000। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रूपए। 11,000 रूपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रूपए, संरक्षक 2,11,000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रूपए, सदस्यता 21,000 रूपए 10 वर्ष। चारा गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा निराश्रित चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148 12। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 02120001011772777, IFSC कोड PUNB002120, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 01901333249, IFSC कोड BARB0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।